हाय एवरीवन, मैं हूँ शाइनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय करंट स्किन केयर रूटीन। मेरी स्किन इतनी क्लियर कैसे है, इतना ग्लो कैसे करता है, आप में से कितने लोगों का ये सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। मीमी वेट वाइप्स से सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि मेरे फेस पे हल्का सा मेकअप है। मैं कुछ वीडियोस फिल्म कर रही थी, उसकी वजह से ही मैंने मेकअप अप्लाई किया हुआ है। मैंने कुछ मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे स्किन के लिए आई थिंक बेबी वाइप्स सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इसमें ना केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब काफी कम केमिकल्स होते हैं शायद, पर जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स होते हैं उसमें शायद कुछ तो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मेरे स्किन पे सूट नहीं करता, विच इज वाई आई ऑलवेज यूज बेबी वाइप्स। मामा अर्थ राइस फेस वॉश मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे PR में रिसीव हुआ था और मैं आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ड्राइंग लगता है, आई थिंक ऑयली स्किन के लिए परफेक्टली काम करेगा। मेरी पर्सनली ड्राई स्किन है, तो इसीलिए शायद मुझे वो ड्राइनेस फील होता है। आज ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का मन कर गया, तो मदर स्पर्श बीट रूट लिप स्क्रब से मैंने अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर लिया। इससे ना डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाती है और लिप्स एकदम सॉफ्ट एंड प्लम्प होता है। सो ये लिप स्क्रब आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये नया एक ब्रांड ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे है, ये उनका एक राइस ब्राइटनिंग फेस पैक है, तो मैं इसे ना सेकेंड टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले एक बार भी मैंने इस्तेमाल किया था इसे, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप पे गई थी, उसके बाद मैं दिल्ली भी गई, तो फेस पे टैनिंग काफी ज्यादा हो गई थी। तो आने के वक्त ही मैंने देखा कि इस क्लेको ब्रांड से एक टैन रिमूविंग फेस पैक आया है, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई इट। तो काफी मेरे फेस पे टैनिंग भी हो गई है और इसका जो रिजल्ट है वो भी पता चल जाएगा। तो एक बार इस्तेमाल करने से ही मुझे इससे ना फर्क दिखा, तो इसीलिए मुझे लगा आज एक फेस पैक इस्तेमाल करना है तो इसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। एकदम हैसल फ्री है, ऐसा आपको लगेगा कि आप कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। थोड़े से इसमें ना छोटे छोटे स्क्रब जैसे पार्टिकल्स है, पर ना इसे ज्यादा देर के लिए फेस पे रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 10 मिनट्स, उसके बाद आप वाइप कर लीजिए या फिर नॉर्मल पानी से वॉश भी कर सकते हैं। इसे ना फेस काफी ब्राइटनेंड हो जाती है, मुझे तो अच्छा ही लगा इसे इस्तेमाल करके। फिर आजकल मैं एल्प्स गुडनेस का ये फर्मेंटेड राइस वाटर स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। सच कहूँ तो इसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, राइस वाटर थोड़ा गाढ़ा है, उसकी वजह से ही शायद ये ठीक से स्प्रे नहीं होता, लेकिन इसका इफेक्ट काफी अच्छा है। मैं इस तरीके से फेस पे से हल्का सा मसाज कर लेती हूँ, मतलब मैं इसे टोनर की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ, एंड फेस पर ना काफी अच्छा ग्लो आया है इसे इस्तेमाल करने के बाद। गार्नियर के साथ पहले भी मैंने काफी बार काम किया है, तो उनका जो विटामिन सी सिरम है वो मैंने प्रमोट भी किया था और उसे मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा भी है। ये सिरम मेरे स्किन के लिए एकदम परफेक्टली सूट करता है और विटामिन सी सिरम से ना फेस पे जितने भी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स होते हैं वो सारे अच्छे से वो फेड आउट करता है। तो ये मुझे एक सैंपल रिसीव हुआ था फ्रॉम गार्नियर ओनली, तो मैं आजकल इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने ट्रिप पे भी लेकर गई थी। ये पूरा खत्म नहीं हुआ, बस लास्ट का ही थोड़ा सा बाकी है, तो उसी को ही मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं फिजियो जेल का मॉइस्चराइजर कितने महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक 2022 के नवंबर से मैं इस मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड तब से लेकर आज तक मैं इस मॉइस्चराइजर को कभी भी स्किप नहीं करती। रात के वक्त मैं हमेशा इसी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करती हूँ। ये मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दिखा रही हूँ, लेकिन मामाअर्थ का ये सनस्क्रीन आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड सनस्क्रीन ना मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन नेक एंड हैंड्स पे मैं सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करती हूँ। आई क्रीम मैं बोरोलिन इस्तेमाल करती हूँ, प्लीज मुझे जज मत करना, बट बोरोलिन इज रियली गुड। लास्टली आई यूज़ वन लिप बाम एंड देन गो टू स्लीप, लेकिन प्लम का ये लिप बाम खरीदना मत, ये उतना मॉइस्चराइजिंग तो है नहीं। मेरे पास अभी कोई भी लिप बाम ऑप्शन नहीं है, मैं ससुराल में हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे अप्लाई किया। टैग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।